मैं विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। दिल्ली के मठिया महल इलाके में ईद मिलन प्रोग्राम का आयोजन। आप पार्टी ट्रेड विंग में मठिया महल अध्यक्ष नईम मलिक की नाजिम से ईद मिलन प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के सरकार मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। इस मौके पर नईम मलिक के सभी मेहमानों का इसका पहना का इस्तकबाल किया। इस अवसर पर सभी मेहमानों ने पूरे देश को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारे देश में सभी त्यौहार एक समान हैं और सभी महजबों के त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वो ईद हो या दिवाली। भारत देश में पूरी दुनिया में भाईचारे का एकता पहचाना जाता है, तो किसी को गौ रक्षा के नाम पर गौ, कभी राम के नाम पर एक दूसरे को मारा जाता है। ये सिर्फ एक कुछ गलत राजनीतियों के वजह से हो रहा है। आज ईद मिलन प्रोग्राम है, हमें इज्जत और सम्मान मिला है, वो सराहनीय है और हम सभी को फर्क है कि हम हिंदुस्तानी हैं। ईद मिलन के मौके पर नई मालिक के पूरे देश में मोमबत्ती का माहौल है, इसीलिए हमने ईद मिलन प्रोग्राम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म और मजहब के लोगों को शामिल किया है ताकि पूरे देश में भाईचारा कायम हो सके। से दिल्ली से मोहम्मद इरफान खान की एक खास रिपोर्ट। यहाँ सारे लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, हम करना नहीं चाहते। हम मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की इस खूबसूरती को मिटाने का काम जो भी करेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब मिलकर उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये संकल्प आज हमने लिया और इस ईद मिलन के दिन गले भी मिल रहे हैं सबसे, और गले मिलने को जो लोग नफरत फैलाने का, जो लोग जो समाज को बांटने का जो लोग काम करते हैं, उनके खिलाफ मिलजुल कर लड़ेंगे। इस बात का भी संकल्प है। मिलन का तो हमारा मकसद कौमी एकता बनाए रखने का प्रोग्राम है, इसलिए क्या है कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। क्यों? क्योंकि आजकल मॉबलिंग चीन के केस हो रहे हैं और बहुत ही गंदा मैसेज जा रहा है इससे मॉबलिंग चीन के। हम ये चाहते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपसी भाईचारे के खिलाफ पर बुनियाद पर ही आपस में एकजुट रहे, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम कराया।